एमपी में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए रतलाम लोकसभा चुनाव के लिए निर्मला भूरिया और देवास विधानसभा सीट के लिए स्वर्गीय तुकोजीराव पवार की पत्नी गायत्री राजे के नामों का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में 25 अक्टूबर को बैठक की गई थी, जिसमें निर्मला भूरिया और गायत्री राजे के नाम पर सहमति बनी थी, जिसके बाद नामों को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया था। दोनों नामों पर मंजूरी मिलने के बाद भाजपा ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि देवास सीट पर निर्मला गायत्री राजे पवार का नाम उस इलाके में राज परिवार की साख को देखते हुए तय किया गया है। देवास तुकोजीराव पवार का इलाका होने की वजह से वहां पर उनकी ही पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रतलाम लोकसभा सीट पर निर्मला भूरिया का नाम तय कर भाजपा यहां से सहानुभूति के वोट बटोरकर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 21 नवम्बर को मतदान होगा। दोनों जगहों पर मतगणना 24 नवम्बर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।